दोस्तों आज हम लोग जिस स्टॉक की बात करने वाले हैं उसका नाम है EI होटल। जैसा कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों, ये इसका डेली चार्ट है और इसके डेली चार्ट में आप देख पा रहे हैं काफी तेजी है ये स्टॉक। और अगर आज की बात करें तो आप जैसा कि आप देख पा रहे हैं मार्केट खुलने के बाद ये 20% ऊपर गया था, लेकिन यहाँ पर ये सस्टेन नहीं कर पाया और अभी भी इसमें लगभग 5% की तेजी अभी भी है और हो सकता है ये मार्केट बंद होने तक क्या पता फिर से 20% का अपर सर्किट लगा दे। तो दोस्तों हम इस स्टॉक के नेक्स्ट टारगेट की चर्चा आगे वीडियो में करेंगे, पहले चलकर इसका हम फंडामेंटल एनालिसिस देख लेते हैं। तो जैसा कि आपको पता है दोस्तों, कंपनी का नाम है EIH यानी कि EI होटल। इसका जो करंट मार्केट प्राइस है वो 429 रुपए चल रहा है और इंट्राडे में अभी तक ये लगभग 6% तक तेज है। इसका जो मार्केट कैप है वो 26,816 करोड़ का है और इसका PE 48.9 का है। ROCE इसका काफी अच्छा है 15% और ROE 11% का है। पिछले एक साल के अगर इसके हाई लो की बात करें तो 150 रुपए का इसने लो लगाया था और 461 रुपए इसका हाई था। कंपनी के बारे में बता दूं दोस्तों, तो EIH प्राइमरली प्रीमियम लग्जरी होटल्स एंड क्रूज के साथ काम करती है, जिसमें आपके ओबराय हुए, ट्राइडेंट हुए, मैडन्स हुए, इन सब के अंडर में काम करती है। साथ ही ये कंपनी फ्लाइट कैटरिंग, एयरपोर्ट रेस्टोरेंट के बिजनेस में भी इन्वॉल्व है। इसके अगर चार्ट की बात करें तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों, इसने कुछ हफ्तों पहले ही अपने बहुत ही पुराने लेवल का ब्रेकआउट दिया है और वहां से अपने लाइफ टाइम हाई पर अभी ट्रेड कर रहा है। इसके प्रोज एंड कॉन्स की बात करें तो कंपनी ने अपना डेब्ट रिड्यूस किया है और अब ये ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री हो चुकी है और कंपनी जो है वो गुड क्वार्टरली रिजल्ट्स भी देती आ रही है। इसके कॉन्स की बात करें तो स्टॉक जो है वो 7.22 टाइम्स बुक वैल्यू पर ट्रेड कर रहा है। पिछले 5 सालों का इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो थोड़ा डाउन रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी इसका काफी ज्यादा लो रहा है पिछले 3 सालों में, तो इन सब जगहों पे आपको नजर बना के रखनी पड़ेगी। इसके पीयर कंपैरिजन की बात करें दोस्तों, जैसा कि आपको पता है होटल एंड रेस्टोरेंट में ये कंपनी काम करती है, जिसमें आपके इंडियन होटल्स हुआ, EIH, चैलेट होटल्स, लेमन ट्री होटल, महिंद्रा हॉलीडे, ITDC, ये सारी की सारी बेहतरीन कंपनियां इसी सेक्टर में काम करती है। EIH के क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें दोस्तों, तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो दिसंबर 2020 में 179 करोड़ का था, दिसंबर 2021 में 360 करोड़, दिसंबर 2022 में 586 करोड़ और दिसंबर 2023 में 741 करोड़ का सेल्स रहा है। देखा जाए तो इसके सेल्स में लगातार बढ़ोतरी हुई है। वहीं अगर नेट प्रॉफिट में बात करें तो दिसंबर 2020 में -56 करोड़ था, दिसंबर 2021 में 41 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, दिसंबर 2022 में 150 करोड़ का प्रॉफिट हुआ और दिसंबर 2023 में 230 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। तो यानी ये कंपनी अपने प्रॉफिट में भी अब सुधार ला रही है। पिछले 10 साल के इसके प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें दोस्तों, तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो मार्च 2012 में 1407 करोड़ का था, मार्च 2015 में 1669 करोड़ का, मार्च 2018 में 1599 करोड़, मार्च 2021 में 494 करोड़ और अगर करंट में बात करें तो कुल 2407 करोड़ का सेल्स ग्रोथ है। वहीं नेट प्रॉफिट की बात करें तो मार्च 2012 में जहां 125 करोड़ का था, मार्च 2015 में 76 करोड़ का प्रॉफिट, मार्च 2018 में 196 करोड़, मार्च 2021 में माइनस का 375 करोड़ और करंट में अगर बात करें तो कुल 522 करोड़ का प्रॉफिट है। इस कंपनी की अगर CAGR की बात करें दोस्तों, इसका जो CAGR है पिछले 10 सालों में इसने 21% से रिटर्न दिया है, पिछले 5 सालों में 17%, पिछले 3 सालों में 61% और पिछले 1 साल में तो 150% का रिटर्न दिया है। यानी कि देखा जाए तो पिछले 2-3 सालों में इसमें काफी अच्छा सुधार हो रहा है। EIH की अगर बोरोइंग्स की बात करें दोस्तों, मार्च 2012 में 558 करोड़ का था, मार्च 2018 में 502 करोड़ का रहा, मार्च 2021 में 510 करोड़ का और अगर करंट में बात करें तो कुल 198 करोड़ है। यानी अगर देखा जाए तो पिछले 2-3 क्वार्टर्स में कंपनी ने काफी ज्यादा अपना डेट रिड्यूस किया है, जो कि एक ग्रीन सिग्नल है, ये काफी अच्छी बात है। इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें दोस्तों, तो प्रमोटर्स की हिस्सेदारी मार्च 2021 में 35.74% पर थी, वो घटकर दिसंबर 2023 तक 32.85% पर रह गई है। यानी कि प्रमोटर्स ने यहाँ भी अपना माल डिक्रीज किया है। FIIs की बात करें तो जहाँ 2.83% पर थे उन्होंने अपना माल बढ़ाकर 3.71% किया है। DIIs की बात करें 14.45% से 14.16% किया है, यानी कि DIIs ने भी नाम मात्र का कम किया है। बात करें अगर पब्लिक की तो इस कंपनी में सबसे ज्यादा अगर किसी का हिस्सा है तो वो पब्लिक का है 46.97% मार्च 2021 में, जो कि दिसंबर 2023 तक बढ़कर 49.29% हो गया, यानी कि और भी ज्यादा बढ़ गया है। तो हमारे लिए यहाँ पर ये एक रेड सिग्नल है, रिटेल्स की होल्डिंग ज्यादा है और प्रमोटर्स की होल्डिंग कम है। बाकी अगर हम इस कंपनी की फॉरेंसिक एनालिसिस करते हैं तो कैपेक्स वर्सेस ROCE काफी बेहतरीन है, ROE इसका पिछले 10 सालों में ठीक रहा है, कंपनी ने कोई भी शेयर प्लेज नहीं किया है, वर्किंग कैपिटल भी इसका काफी अच्छा है, रेवेन्यू रिकॉग्निशन में भी कोई दिक्कत नहीं है, डेब्ट कंपनी ने काफी अच्छे तरीके से कम किया है, प्रमोटर्स ने भी पिछले 90 दिनों में कोई भी माल कम नहीं किया है। इसके रेवेन्यू की बात करें दोस्तों, तो इसका जो प्रोडक्ट है वो रूम्स में 48.9%, फूड्स एंड बेवरेजेस 37.5% एंड अदर्स 13.7%। वहीं अगर लोकेशन वाइज बात करें, इंडिया में है सारा का सारा बिजनेस, इसका इंडिया से ही होता है। दोस्तों हम वापस से इसके चार्ट पर आते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जब मैंने वीडियो स्टार्ट किया था उस
उस समय इसका जो मार्केट प्राइस था वो 4% पर था, अब ये 7% पर आ चुका है, यानी कि इसमें तेजी अगर देखा है तो अभी भी बरकरार है। और जैसा कि मैंने बोला था कि हो सकता है ये शाम तक लगभग 20% का अपर सर्किट भी मार दे। बाकी दोस्तों अगर इसके लॉन्ग टर्म चार्ट की बात करें तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये इसका वीकली चार्ट है और इसने अभी हाल ही में 2008 के लेवल का ब्रेकआउट दिया है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर इसने ब्रेकआउट दिया है और उसके बाद ये स्टॉक नॉन स्टॉपेबल बहुत ही अच्छी रैली दिखाई है। दोस्तों आपको क्या लगता है कि इस स्टॉक में अभी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर।